बजट तो अब गवर्नमेंट सब अपने हिसाब से बनाती है, बट थोड़ा सा मुझे निराशा हुई कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए कुछ बजट में हमेशा की तरह कुछ नहीं किया गया, जबकि सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देती है सरकार को और इसके थ्रू मिलता है अलग अलग स्रोतों से, लेकिन बहुत दुख की बात है कि न तो इसे इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया और न ही बजट में कुछ ऐसा रखा गया जिससे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को या कलाकारों को या कला जगत को या मनोरंजन जगत को ये लगता कि सरकार भी हमारे बारे में सोचती है। किसानों की बात करें तो किसान के बारे में बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि किसान आज मेरे ख्याल से 70 दिन हो गए उन्हें बैठे हुए, ठंड में हम लोग जहाँ 1-2 घंटे भी नहीं बैठ सकते रोड पे, वो 70 दिनों से बैठे हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को उनके साथ एक बात करके, एक सार्थक प्रयास करके और इसका हल निकालना चाहिए बहुत जल्दी। अगर सरकार उनसे बात कर रही है कंटिन्यू, कई दौर की वार्ता हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको बैठ के साथ में इनको रद्द करके दोबारा से एक नया कानून ना देना चाहिए। थिएटर खुलना तो एक अच्छी बात है, बट कोविड के इस दौर में बड़ा चैलेंज है। और मुझे बड़ी, मैं कल ही देख रहा था राधे रिलीज़ हो रही है ईद पे सलमान भाई की, तो मेरी शुभकामना एक तो उनको उसके लिए, और दूसरा मुझे लगता है कि जब ये बड़ी फिल्में रिलीज़ होंगी तो एक बार फिर पब्लिक थिएटर की तरफ दौड़ेंगे। किस चीज़ पे तांडव? तो देखिए, तो मुझे लगता है एक सियासी स्टंट है, क्योंकि हम लोग रामलीला देखते हैं गांव में जो होती है, उसमें मनसुखा का कैरेक्टर होता है, हमारी कई लीजेंड फिल्में हैं, जाने भी दो यार, इवन ओ माई गॉड, और स्पेशली अगर हम बात करें कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी विरोध जो चल रहा है लोगों का, तो ओ माई गॉड में तो परेश रावल जी सांसद हैं, अक्षय कुमार बहुत क्लोज हैं हमारे पीएम साहब के, तो खुद सेकुलर ही लोग हैं, बट आई डोंट नो कि क्यों ये विरोध होता है, मुझे कुछ ऐसा गलत नज़र आता नहीं। हम लोगों की एक फिल्म तो ऑलरेडी रिलीज़ की थी पैंडेमिक में हम लोगों ने, तो अभी बहुत जल्दी वो OTT प्लेटफॉर्म पे आ रही है 25 फरवरी को। इसके अलावा मेरी दो फिल्में कंप्लीट हैं, शतरंज और त्राहिमाम, तो आई होप कि हम लोग मार्च लास्ट वीक में फिल्में रिलीज़ करेंगे। तो कहाँ से आ रहा है? ऑल द वे कम फ्रॉम दिल्ली, मेरा लंबा टूर था, हैदराबाद गया मैं, लखनऊ गया, फिर दिल्ली के कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो मैं उसी में ज़रा थोड़ा ब्रेड बटर की दौड़ है, तो भागम दौड़म स्टार्ट रहती है हम लोग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।